पब्लिक टीवी आपकी आवाज। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के 63वें जन्मदिन पर आज सपा बसपा के राजनीतिक गठबंधन का रंग साफ तौर पर दिखाई दिया। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी और बसपा कार्यकर्ताओं में मिलकर केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। हालांकि इस दौरान बसपा के पूर्व विधायक ने विवादित बयान देकर राजनीति को गर्मा दिया, तो वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का जन्मदिन मनाना भी भूल गए, जिस पर सभी नेताओं ने अपनी भूल पर सफाई पेश की। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले हुए सपा बसपा के गठबंधन के बाद से राजनीतिक हलकों में चर्चाओं ने जहां तेजी पकड़ी है, वहीं 15 जनवरी पर बसपा सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन पर राजनीति पूरे चरम पर पहुंच गई। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तो बड़े आयोजन की व्यवस्था थी ही, वहीं मुरादाबाद में बिल्कुल अलग ही रंग नजर आया। मुरादाबाद के सिविल लाइन से स्थित अम्बेडकर पार्क में मायावती का जन्मदिन मनाया गया, जहां पर सपा और बसपा के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से जन्मदिन मनाया। सबको केक खिलाकर मायावती की दीर्घायु की कामना की गई। इस अवसर पर सपा और बसपा के नेता भी मौजूद रहे। जन्मदिन के कार्यक्रम में मंच से पूर्व बसपा विधायक विजय यादव ने विवादित बयानबाजी करते हुए कहा कि आगामी 2019 के चुनाव में प्रदेश के लोग भाजपाइयों को तो दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। दरअसल पूर्व बसपा विधायक कांग्रेस और भाजपा के बड़े नेताओं पर बयानबाजी कर रहे थे, जिसमें वो सारी सीमाएं लांघ गए और पहले तो प्रधानमंत्री पर विवादित बयान दिया और फिर भाजपाइयों को दौड़ा दौड़ा कर मारने की बात मंच से बोलने लगे। पूर्व विधायक मुरादाबाद की ठाकुरदारा विधानसभा क्षेत्र से एक बार चुनाव जीते थे। लेकिन ये भी सच है कि जब से बहन जी ने अखिलेश भाई को आशीर्वाद दिया है, यकीनी तौर पर भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम हो चुकी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। मैं बहुत ज्यादा ना कहकर बस यही कहना चाहता हूं कि आने वाला वक्त हमारा है। ये गठबंधन जिसने उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की राजनीति की दशा और दिशा पलटने का काम किया है, हम लोग 2019 में प्रधानमंत्री भी बनेंगे और 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बनेंगे इंशाअल्लाह। ये बहुत फख्र की बात है, हर्ष की बात है। यकीनी तौर पर उन लोगों को यह हजम नहीं हो रहा कि ये कार्यकर्ता जिसको वो लगातार डराकर धमकाकर लूटने का साजिश और काम कर रहे थे, अब ये ताकतें जब मिल गई और ये जब कार्यकर्ता की जोश और मोहब्बत और दुआएं एक साथ हो गई, तो मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, बिलारी विधानसभा के कार्यकर्ता हो या बिलारी के अलावा मुरादाबाद या संभल जिले का मामला हो, मैं बहुजन समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक भाई, एक एक बुजुर्ग को यकीन दिलाना चाहता हूं कि जहां जब भी जैसे भी मेरी जरूरत होगी, चाहे कोई आंदोलन हो या धरने पर बैठना हो या किसी भी अधिकारी से मिलने का मामला हो, चाहे किसी दलित का मामला हो, अल्पसंख्यक का मामला हो, पिछड़े का मामला हो, अपने भाई को आप एक आवाज लगाएंगे, ये भाई आपके लिए सिर कबल हाजिर मिलेगा इंशाल्लाह। मैं अपनी बहनों से, माओ से अपने लिए दुआ की दरखास्त करना चाहता हूं कि इनकी दुआओं के वसीले से आज हम लोग यहां पर सब लोग एक साथ एकजुट होकर यहां बैठे हैं। तो ये जनसैलाब अब गवाही है इस बात की कि आगाज हो चुका है और उन मनुवादी शक्तियों का ताकतों का वक्त जाने वाला है जिन्होंने सिवाय झूठ बोलकर, जिन्होंने गुमराह कर एक दूसरे के साथ गंदी राजनीति कर धर्म की बात कर होली दिवाली में ईद में फर्क करने वालों ने जिस तरीके से यहाँ जहर घोलने का काम किया, उस जहर में जितनी परेशानी जितनी जिल्लत का सामना हमने किया है, अब शायद वो वक्त दोबारा नहीं आएगा। अब ईमानदारी का वक्त आएगा, जहां पर मैं अपनी बात को इस शेर के साथ मुकम्मल करूंगा, इस शेर के साथ मुकम्मल करूंगा कि दूर कर ले नफरतों को, दिल से दिल को तू मिला ले। दूर कर ले नफरतों को, दिल से दिल को तू मना ले, मिला ले। तेरा मंदिर मैं सजाऊं, मेरी मस्जिद तू सजा ले, और साफ कर ले वो स्याही जो दिलों पे छा गई, साफ कर ले वो स्याही जो दिलों पे छा गई, तेरी ईद मेरी ईद तू मना ले, तेरी होली मैं मनाऊं। दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इनके चक्कर में मत आना, कहते हैं जय श्री राम बोलो और 1 किलो में 200 विराम बोलो और भैया गली में बोलो। इसलिए मैं बता रहा हूं, सबसे इस देश में बड़ी भ्रष्ट पार्टी है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस ने दिए क्या, 4 गांधी, राजीव कौन, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी,
और इसने क्या दिया भाजपा ने, मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी और अंबानी की गोद में बैठा नरेंद्र मोदी। मैं बता रहा हूं, सिर्फ अगर कुछ इस नरेंद्र मोदी ने करा है तो उद्योगपतियों के लिए करा है, बाकी किसी गरीब के लिए मेरे दोस्तों कुछ नहीं करा है। इसलिए बहुत वक्त है, अभी आगे चुनाव आने वाला है, अभी तो लड़ाई है और आगे बहुत लड़ाई है। इन भारतीय जनता पार्टी वालों को तो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूं, अब डर रहे हैं, आज इनकी नींद इन्हें नानी याद आ गई होगी, आज ही अपनी मरी हुई नानी कि भाई सापा बसपा एक हो गए। आज यहां पर सापा बसपा को पूरे उत्तर प्रदेश में एक मंच पर देख करके ये भारतीय जनता पार्टी के रंग में भंड में ना सत्य होश हो गए। मैं बता रहा हूं आपको, इसलिए हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद, जय भीम कुमारी मायावती और जय अखिलेश भैया, और बाकी सबका निकल गया तेल, और भैया अब चलेगा बसपा सापा का खेल। तो बहन कुमारी मायावती जी को 63वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाला वक्त बहन कुमारी मायावती जी का है, आदरणीय अखिलेश यादव जी का है और हमारे गठबंधन का है और इन फिरका परस्त तत्वों को उखाड़ फेंकने का है। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आने वाले वक्त में गठबंधन के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर आपको 70 और 80 के बीच में सीटें जिताकर भेजनी है, ऐसा मुझे उम्मीद है और ऐसा विश्वास है। और ज्यादा कुछ ना कहते हुए एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि चलन जो वफा का इख्तियार करते हैं, चलन जो वफा का इख्तियार करते हैं, फरिश्ते भी उन्हीं से प्यार करते हैं, उन्हीं के मजारों पर जलते हैं दिए, दूसरों पे जचा निसार करते हैं। खुदा हाफिज। मैं अपनी ओर से और तमाम समाजवादी पार्टी परिवार की ओर से सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन पर उनको हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं और जनपद के सभी हमारे बहुजन समाज पार्टी के साथियों को भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप पूरे प्रदेश में डिंपल यादव का जन्मदिन मनाया गया, यहां पर कुछ ऐसा नजर नहीं आया। देखिए, अभी आपने रणविजय सिंह जी से आपने ये प्रश्न किया था, अभी उन्होंने जैसा बताया कि ये कार्यक्रम बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन का कार्यक्रम राजनीतिक रूप से लगातार मनाया जाता है और ये उनका ये कार्यक्रम चूंकि लगातार मनाया जाता है इसलिए मनाया गया है। जहां तक हमारी श्रीमती डिंपल यादव जी के जन्मदिन का प्रश्न है, देखिए ये जन्मदिन मनाने का अपना अपना तरीका है। जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है उसके नाम पे क्या असर मानते हैं, 2019 का चुनाव कितना असर मानेंगे, क्योंकि आज जन्मदिन भी आप एक साथ मना रहे हैं। देखिए, ये गठबंधन ऐतिहासिक निर्णय है, देश की और प्रदेश की दिशा और दशा बदलने का काम करेगा ये गठबंधन। पूरे प्रदेश में एक सवाल था, मेरा जवाब नहीं मिला। पूरा प्रदेश में डिंपल यादव का जन्मदिन मन रहा है, यहीं पर सिर्फ क्यों नहीं मनाया गया? नहीं, उनको हार्दिक शुभकामनाएं सब दे रहे हैं लेकिन हमारे यहाँ पर राजनीतिक यानी सामूहिक रूप से कोई जन्मदिन मनाने का कोई ऐसा कार्यक्रम हमारे प्रदेश से कोई ऐसा कार्यक्रम हमें प्राप्त नहीं हुआ है। प्रदेश से कार्यक्रम तो बसपा सुप्रीमो। आगे और कोई प्रश्न तो बताएं। जी, आज तक कोई भी इस तरह का बयान सामने नहीं आया, आज गठबंधन होने के बाद में जो है मन से यहाँ पे खुलेआम ये कहा गया है भाजपा कार्यकर्ताओं को थोड़ा थोड़ा के लगाया जाएगा। नहीं, वो मंशा ये नहीं रहा होगा। देखिए, ऐसा है, पूरे देश की और प्रदेश की जनता इतनी उत्साहित है और इतनी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से इतनी त्रस्त है कि अगर किसी के दिल से कोई ऐसी बात निकल गई होगी तो उसका मंशा उसका ये नहीं रहा है। आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का 63वां जन्म दिवस प्रदेश के प्रत्येक जनपद के मुख्यालय पर मनाया जा रहा है। उसी क्रम में जनपद मुरादाबाद में भी गठबंधन के दोनों साथियों ने यहाँ मिलकर आज बहन जी का
भव्य जन्मदिन का आयोजन किया। कोई आदेश आया था ऊपर से कि कैसे जन्मदिन मनाना है गठबंधन के? नहीं, हमेशा बहन जी जन्मदिन को जनकल्याणकारी दिवस के रूप में मनाती हैं और इस बार भी जनकल्याणकारी दिवस के रूप में जन्मदिन को मनाया है। और बहन जी का आज के जन्म दिवस पर 63 पाउंड का केक काटा गया। हमारे संगठन के सहयोगी साथी जिलाध्यक्ष श्री राजीव सिंगल जी और पूर्व मेयर श्री एस टी हसन साहब और सभी बहुजन समाज पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष भाई गुलाब सिंह जी सभी साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हुए। कार्यकर्ताओं में किस तरह का जश्न मनाया? ये तो आपके द्वारा भी देखा जा रहा है कि जब से गठबंधन की घोषणा हुई है बेतहाशा उत्साह दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं में। गठबंधन के बाद में बहन कुमारी मायावती का जन्मदिन मनाया गया, वहीं डिम्पल यादव का आज जन्मदिन था, उन्हें किसी ने भी नमन नहीं किया, उन्हें याद नहीं किया, उनका जन्मदिन नहीं मनाया गया। क्या कहें, गठबंधन है या कुछ? देखिए, गठबंधन की जहाँ तक बात है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन पूर्व की भांति सभी साथियों के द्वारा इसी पार्क में मनाया जाता है और आप सभी लोग भी इस कार्यक्रम में शिरकत करते हैं और यहीं से अपनी खबर भी छापते हैं। जहाँ तक आप बता रहे हैं कि श्रीमती डिम्पल यादव जी का भी जन्मदिवस है, लेकिन वो राजनीतिक तौर पर जन्मदिवस को नहीं मनाती हैं और आदरणीय बहन जी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं और हमारी नेता हैं, तो उनका जन्मदिवस हमेशा ये जनकल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, उसी क्रम में आज ये जन्मदिवस। के बाद में सपा कार्यकर्ता एक साथ इकट्ठा हुए, आपके साथ में बसपा कार्यकर्ता हुए, क्या मनाना चाहिए था? ये उनके ऊपर मनाने पर डिपेंड करता है कि वो अपने जन्मदिन को किस तरह से मनाती हैं, ये उन पर निर्भर करेगा। लेकिन हमारी पार्टी के नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का पूर्व के वर्षों के भांति इस वर्ष भी जनकल्याणकारी दिवस के रूप में इस जन्मदिन को मनाने का निर्देश हुआ था, उसी क्रम में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। और यदि आज डिम्पल यादव जी का जन्मदिन है तो मैं पार्टी के सभी और साथियों की ओर से उन्हें भी बहुत हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं और उनकी भी दीर्घायु की कामना करता हूं। और इसके साथ साथ अपने नेता जो आदरणीय बहन कुमारी माधवी जी का जन्मदिन 63वां जन्मदिन है, मैं उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। उसी के साथ ये भी कामना करता हूँ कि वो हमेशा हम लोगों का सपा नेतृत्व करती रहें और देश में हम लोगों का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ें। सपा और बसपा का भूल नहीं कहेंगे, मैंने बताया कि आदरणीय बहन कुमारी माधवी जी राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और श्रीमती डिम्पल जी जो कि समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की धर्मपत्नी जी हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पूर्व की भांति बहन जी का जन्मदिन इसी तरह मनाते चले आ रहे हैं जिस तरह आज मनाया है। तो आप इस पर बार बार अगर एक अटैच करें तो उनका व्यक्तिगत ये वो है कि वो अपने जन्मदिन को किस तरह मनाती हैं। डिम्पल यादव जी का अगर जन्मदिन की हमें सूचना मिली है तो हम उन्हें हार्दिक शुभकामना और बधाई देने का सभी साथी काम करते हैं। जहाँ तक चुनाव की बात है तो ये गठबंधन जो हुआ है चुनाव के लिए हुआ है और उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का जो गठबंधन हुआ है उसमें आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो गठबंधन करके सभी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा देने का काम किया है, मैं निश्चित तौर पर आपको भी आश्वस्त करता हूं और सभी पार्टी को और साथियों की ओर से यह आपको विश्वास भी दिलाता हूं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पूरे प्रदेश से सफाया होगा। अच्छा, अभी मन से आपके नेताओं ने एक विवादित बयान दिया, उस पर क्या कहें कि अभी तो सिर्फ गठबंधन है, वहीं सिर्फ दौड़ा दौड़ा कर पीटने की बात की जा रही है? देखिए, ऐसा होता है, राजनीतिक बात है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से घबराने की जरूरत नहीं है, हम उनसे कम नहीं हैं और हमारे नेताओं ने जो दोनों पार्टी के नेताओं ने गठबंधन किया है, हम दोनों साथी मिलकर जोर शोर के साथ अगला लोकसभा चुनाव लड़ाएंगे और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। दौड़ाने का मकसद आप क्या करें, ये तो हार जीत की बात होती है राजनीति में, इस बात को लेकर आप इसका अर्थ कुछ निकालें तो ये अलग चीज़ है। लेकिन जहाँ तक राजनीति में गठबंधन होते हैं, चुनाव लड़ने के बात होते हैं, एक वैचारिक मतभेद की बात होती है, ना कि व्यक्तिगत मतभेद की बात होती है। तो मैं इस बारे में ये कहूँगा कि आने वाला समय गठबंधन का है, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के सभी एक एक कार्यकर्ता आगामी आने वाले चुनाव में पूरा अपने तन मन धन से मेहनत कर पूरे प्रदेश में 80 सीटों पर परचम लहरा रहेगा, सभी साथी काम करेंगे। पुनः एक बार मैं बहन जी के जन्मदिन पर आप सभी साथियों को हार्दिक बधाई।